स्टूडेंट्स वेरी वॉम वेलकम फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी गाइज आर गोइंग टू कंटिन्यू दाम स्ट्रैटी सीरीज वी गाइज बीन रनिंग और मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं तो प्लीज बहुत बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी टिप और एनी थिंगट यू हैव हर्ड फ्रॉम एनी टीचर और ऑन एनी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एंड शायद अजीब भी लगे तो प्लीज ढंग से सुनिएगा क्या स्ट्रैटेजी है बिफोर आई मूव फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू कम एवरी नाइट एट नाइन पी एम सो दैट जिन लोगों का एग्जाम अगले दिन है उनको मैं काम कंपोज कर पाऊं जितना मैं कोशिश कर सकता हूं एज ए टीचर आई विल वर्क फॉर यू आई एम देयर फॉर यू मैथन तो प्लेटफॉर्म इज देयर फॉर यू सो एवरी नाइट एट नाइन टिल फिफ्थ सेप्टेंबर वी गाइज विल सो आपको कुछ नहीं करना है नौ बजे आ जाइए करिए यूट्यूब चैनल पर मैथन गो के एंड आई विलयर अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई हेल्प दो स्टूडेंट जिनका एंगजाइटी बहुत हाई हो रखा है जिनका एग्जाम कल है अगले दिन है आई एम गोइंग टू हेल्प दोट फॉरवर्ड सो ड्यूरिंग द एग्जाम वॉट यू गाइज कुट दम नेकेंड स्ट्रेटी विच कैन चेंज योअर पेपर सो वॉट इज दाइनटी सेकेंड स्ट्रेटेजी

कि आपका पेपर फिफ्थ या फोर्थ को है तो आप अगर एक मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं अभी तो प्लीज ये ट्राई करिएगा सो द फर्स्ट ब्रेक सो मेरा 90 सेकंड्स का जो टारगेट है वो क्या टारगेट है सो so द 90 सेकेंड टारगेट 90 सेकेंड फंडा व्हाट इज 90 सेकेंड फंडामेंटल सो 90 सेकेंड फंडा इज टेक 30 अह uh, ब्रेक कितनी बार थ्री टाइम्स दैट इज माय फंडा 30 सेकंड 3 30 सेकंड्स ब्रेक Thrice. कब कब लेनी है कौन कौन से इंटरवल्स पे लेनी है मिनट्स इज़ आंखें बंद करेंगे और मास्क जबकि पहन रखा होगा तो बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए आपको डीप ब्रीदिंग करके हल्का सा कोशिश करना है नीचे से निकाल के हवा पास आउट करने के लिए सो दैट आपकी बॉडी कंपोज और उस समय आप क्वेश्चन पेपर या मेरी रैंक या मेरा कैसा हुआ है पेपर पिछले एक घंटे में नहीं सोचेंगे जस्ट रिज्यूवनेट योर बॉडी दिस इज हाउ योर बॉडी विल कंपोज ऑफ आपकी बॉडी ठंडी होगी आपका माइंड जो बहुत रैपिड रेट से भाग रहा था उसको भी रिलैक्स करने का मौका मिलेगा एंड दैट इज हाउ यू विल रीगेन द एनर्जी टू फोकस बेटर सो आफ्टर द फर्स्ट ब्रेक दैट देन इट है फोर्टी मिनट इंटरवल दैट इज वन आवर फोर्टी मिनट्स बिकॉज यहां पर मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा ब्रेक्स आएंगे सब लोगों को लगेगा नहीं सर मेरा कॉन्फिडेंस लूज आउट हो गया मैं यहां ब्लैंकआउट होना शुरू हो गया दैट इज वाई यू हैव टू टेक अ ब्रेक हि देन अगेन आफ्टर द सेम स्टेप हैज बी रिपीटेड अगेन देन यू हैव अनदर फोर्टी मिनिट्स राउंड दैट इज टू आर्स ट्वेंटी मिनट बिलीव मी गाइज दिस इज मैसेवली गोइंग टू इम्प्रूव यफॉर्मेंस बाई एनी मीन्स आप करके देखो बहुत जबरदस्त टेंडेंसी होती है इसमें बहुत ज्यादा क्षमता है इसमें बिकॉज हम लोग रेगुलरली अगर काम करते रहेंगे तो क्या होता है हम थक जाते हैं हम रिलैक्स ही नहीं करते हैं दैट इज वॉट यू हैव टू डू इन द एग्जाम ऑल्सो दैट यू हैव टू सेट बैक रिलैक्स और पेपर में नहीं पेपर के बारे में नहीं सोचना है तीन सेकेंड इस तीन सेकेंड में ये मत सोचना आ यार पेपर के पहले पांच क्वेश्चन टफ हो गए थे यार मेरा तो पेपर मैं मेरी तो रैंक गई नहीं सिर्फ डीप ब्रीदिंग एंड थिंक पॉजिटिव पॉजिटिव यस आई कैन डू इट पेपर टफ है पहले के पांच क्वेश्चन नहीं हुए थे सर साठ मिनट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो मुझे थॉट क्या लगाने थर्टी सेकेंड्स आई कैन डू इट सबके लिए पेपर टफ है पेपर टफ आया मेरे सेशन में इस बार अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना है आंखें बंद जरूर करना क्योंकि आंखों को भी रेस्ट चाहिए सारी बॉडी को रेस्ट चाहिए ट्राई डूइंग दैट बिलीव मी दिस 90 सेकेंड्स कैन एक्चुअली हेल्प यू बीट दैट कंपटीशन सो कैन यू गिव मी दो 90 सेकंड इन योर एग्जाम आई आई अंडरस्टैंड दैट इज अज आस्क आपके डेढ़ मिनट मांग रहा हूं तीन घंटे में से बट आई कैन एश्योर यू दैट डीज नाइनटी सेकेंड्स विल विल गिव यू मच लार्जर इंपैक्ट इन योर स्कोर एंड इन योर योरटाइज तो प्लीज इसे फॉलो करिएगा और आइए रात को नौ बजे मिलते हैं वापस से चर्चा करेंगे क्या करना चाह क्या नहीं काम डाउन जनरल बातें करेंगे सिर्फ मेरा टारगेट है जनरल बातें करने का मेरा टारगेट क्या है टू रिलैक्स यू गाइस पढ़ाई की कोई बात नहीं करूंगा ज्यादा ठीक और मेरा हमेशा से टारगेट है अभी आप अपने आप को ऐसा देखते हैं आई बिलीव यू हैव अ पोटेंशियल ऑफ दिस एंड यू आर रियली सच अ पोटेंशियल तो अभी आपको क्या दिख रहा है मैं ये हूं मैं ये हो सकता हूं ओरिजिनली इट इज द अदर वे अराउंड यू आर एक्चुअली दिस बट यू आर सींग दिस तो हमें कई की बार क्या लगता है शेडो है ये मेरी नहीं ये शेडो है तुम्हारी जो तुम परसीव कर रहे हो स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ यू आर एक्चुअली दिस स्ट्रॉन्ग नॉट दिस स्मॉल